ये देखिए कितना खतरनाक है। इस गहरे और खौफनाक जंगल में मुझे पाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैं अब ऐसे एक पुराने दरख्त को तोड़ रहा हूँ जो काफी गल सड़ चुका है, काफी पुराना है। इसमें से अगर मुझे कुछ दरख्त खोर कीड़े मिले, मैं उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ और काफी सारी एनर्जी हासिल कर सकता हूँ। मैं अब इसे तोड़ रहा हूँ। देखिए ये कितना नरम हो चुका है। ये एक स्टिक से ही टूट रहा है, लेकिन मेरी किस्मत खराब, इसमें कोई भी दरख्त खोर कीड़ा नहीं है। याद रखिए, आप सफेद रंग के दरख्त खोर कीड़ों को खाइए। किसी और कीड़े को अगर आपने खाया तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। कुछ नया मुझे मिला। मैं अब जंगली शहद की तलाश करता हूँ। अगर मुझे जंगली शहद मिला तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि आग का धुआं जलाना पड़ेगा। अगर मुझे धुआं मिला तो वो जंगली शहद में उतार सकता हूँ, लेकिन मैं जंगल में आग नहीं जलाऊंगा। आग जलाना मना है, और फिर भी अगर आग इस जंगल में लग गई तो काफ़ी सारे जंगली जानवर जो है वो मर सकते हैं और काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं जंगल में आग नहीं चलाऊंगा, लिहाजा मैं कुछ और ही खाने को तरजीह दूंगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, ये देखिए कुछ सब्जियाँ हैं जो जंगली हैं। ये देखिए जंगल में काफ़ी सारे फल और कुछ जंगली सब्जियाँ भी होती हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए ये जंगली करेला है जो पक चुका है, और ये देखिए मैं अगर इसे खाता तो काफ़ी कड़वा है, खाने के लायक नहीं है। ये पहले से पक चुका है, कुछ ज़्यादा ही खराब है।